तो कुछ ऐसा सवाल दिख रहा है मेरे को, सवाल लिखने में मुझे ना मेरी फाइल शेयर नहीं हो रही। कुछ ऐसे सवाल है ना। हाँ सर, यस सर। अच्छा पहले मुझे 2n पे कंटिन्यूटी बता दो। 2n के, 2n के लेफ्ट में कैसा फंक्शन बिहेव करेगा, ये या वो? 2n के लेफ्ट में वो वो 2n रख दो। cos 2n पाई तो शायद 1 होता है ना। हाँ तो इसमें कौन सी आंटी बन जाएगी? बीना आंटी बन जाएगी। बीना आंटी प्लस 1, साइन 2n पाई 0 होता है। तो तुमको लगता नहीं कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे? बी एन माइनस ए की पावर एन इक्वल टू माइनस 1 आ गया। देखो हाँ इससे बी तो हो गया। हो गया। अब तुमको लगता नहीं कि वो एन और एन प्लस 1 या एन इंटू एन माइनस 1 के बारे में कुछ रिलेशन निकालना ना? हाँ तो उसमें क्या, तुम तो फंडामेंटल से चलने वाले इंसान हो। एक एक निकाल के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिमाग लगाया, मुझे सोचो, मुझे यहाँ पे एक, चलो मैं ना डी ऑप्शन या डी सी ऑप्शन के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे एक तो ए के नीचे चाहिए एन और बी के नीचे, यहाँ पे क्या चाहिए? तो N+1। मैं ये डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ सेकंड वाली। सेकंड वाली में क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स की रख रहा हूँ 2n+1। सोचो ऐसा क्यों रखा होगा सर ने? जैसे मैंने पूरे क्वेश्चन में एक्स की 2n+1 रखा, तो मुझे बताओ कि ये कितना मुझे, ये तो क्या हो जाएगा, ए एन प्लस कितना हो जाएगा, साइन पाई एक्स ना। और ये वाला कितना हो जाएगा, 2n+1 रखूंगा तो ये वाला डेफिनेशन क्या बन जाएगी, नीचे वाला डेफिनेशन। N+1। एक्चुअली 2n+1 रखोगे तो क्या मिलेगा? X-2 से बोलो बोलो। एन की जगह एन प्लस वन रखो ना, सोचो ना, सिंपल रखते हैं, एन टू प्लस वन एन रखा। प्लस टू अरे हाँ इधर डन। उधर अरे कुछ नहीं है, अपन एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, एन की एन जगह क्या रख प्लस रहे हैं, वन पूरे क्वेश्चन में एन की जगह क्या रख रहे हैं, एन एन प्लस वन ऊपर एन वाला प्लस वन एलिडी रखा, उसके डेफिनेशन छे छे डन। ठीक है, हाँ एन प्लस वन रखोगे तो कितना हो जाएगा, टू एन2n+1। प्लस वन से टू एन प्लस टू इसकी और ये वाला डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हाँ टू एन प्लस वन पे टू अब ये वाला कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करोगे? वो एन प्लस वन एन प्लस वन जीरो लगता नहीं, साइन 2n+1 पाई भी कितना होता है, 0। जीरो और ये माइनस, और बी माइनस एन वन प्लस, बी एन प्लस वन हो जाएगा ना, इनके एन प्लस वन रखे हाँ और माइनस 1। तो तुमको लगता नहीं कि आईआईटी तो बिल्कुल फंडामेंटल सवाल पूछ लेता है कभी कभार? और तो इससे डी ऑप्शन हो गया ऐसे बी। अब समझ में आ रहा है? हाँ सर ये देखो अभी ये सब सवाल मेंस में आएगा, ये देखना अभी 1-2 साल में, इस साल मिल जाएगा मोस्टली। वो सिंगल का रेट बना देगा तो उसको क्या करेगा, टफ नहीं होता है। फंडामेंटल फंक्शन उसने वो चेक करना चाह रहा था कि फंक्शन एन एन प्लस वन बच्चे कैसे लेते हैं। उसके बाद तुमको मैं फिफ्थ कर रहा था ना। हाँ चलो फिफ्थ में ना, मैंने जैसे ही पेपर, मानो मैं आईआईटी पेपर देने गया, मुझे क्या लग रहा है कि यदि मैंने ए ऑप्शन देखा और डी ऑप्शन देखा, मैं ऑप्शन एक बार देखूंगा ना, तो वो डायरेक्टली हो ही जाएंगे हाँ नहीं हाँ हो भी जाएंगे। और मेरे 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 वहां पे थॉट क्या आएगा कि मुझे दो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, जी ऑफ सी जो गिवन है एक गिवन है पॉइंट ना। पे। अभी क्वेश्चन में इंग्लिश पढ़ लेना तुम लोग, बस मुझे ये प्रूफ करना है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या। उसने क्या बोला है, हाई फाई इंग्लिश लिखा है, उसने बोला 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स का जो मैक्सिमम होगा ना, वही जी एक्स का मैक्सिमम होगा। कहां से बेटा? वो 0 से 1। लेकिन फॉर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एफ मैक्स है ना, वो एफ ऑफ एक्स वन पे आ रहा है, और उसके लिए बेटा मैंने कैपिटल एम मान ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर और मैंने मान ली कि वही एक्स जी, वही सेम मैक्सिमम वैल्यू कहां पे दे रहा है, कोई X2। एक्स टू पे। अच्छा मुझे ये तो पता ना कि एक्स वन एक्स टू किसके बीच में लाई करेंगे, 0 से 1 के बीच में है ना। अच्छा मुझे अभी प्रूफ क्या करना है, एफ सी इज इक्वल टू जी सी। तो मैंने क्या किया, ये मेरा थॉट आया क्वेश्चन में कि मैं ये प्रूफ कर दूं, एक बार हाँ एक नया फंक्शन मानूंगा ना मैं तो। हाँ अच्छा अब तुम्हारे भाई ने तो इंटरवल लिया एक्स वन एक्स टू,
सोचो f of x1 minus g of x1. अब सोचो maybe f of x1 m हुआ तो वो क्योंकि f of x1 m में है ही m है ना तो वो बड़ा होगा सोचो मैक्सिमम तो पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है क्यों जीरो होगा जुगल वो अगर सेम पॉइंट पे दोनों का मैक्सिमम हो तो हाँ ठीक है अब जुगल ने बोला सर दूसरा आप लगाओगे x2 पे तो वो g मैक्सिमम होगा या इक्वल हो जाएगा अब ये तो मैक्सिमम हो ही जाएगा g तो नेगेटिव या जीरो हाँ ये छोटा होगा क्योंकि मैक्सिमम f of x नहीं है ये जीरो भी हो सकता है ये दोनों x2 पे मैक्स दे रहा हो ठीक तो तुमने तुमने प्रूफ कर दिया कि एक c इंटरवल x1 x2 के बीच में है c की वैल्यू सॉरी कितनी तारीख हो हाँ कौन से मैं मैंने टेबल में भेजा वही इसमें देख लो आप में हो गए तो आपको पता होगा इसमें नहीं कौन से अकाउंट में भेजा हूँ पूछा नहीं मोबाइल नंबर से गूगल पे किया उसने किस नाम से कौन से नहीं मेरे मेरे मोबाइल में आपके मोबाइल में देख लो 10 जुलाई का नहीं इसमें डाल दिया इसमें ये वाला नंबर में ये वाला जो नंबर इसमें है हाँ उसमें अरे इसका ना पासवर्ड नहीं पता होता वही नहीं खुल रहा मैंने गूगल पे अपने फोन चालू भी किया था लास्ट में फॉरवर्ड कर दीजिए ना उसके लिए चल मैं कोई बड़ी डेटा लेकर देखता हूँ टू टू फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं क्या किया जाए ऑप्शन आएगा मैं जितने लगाता ना रूम में क्लास का चलो मैं देख लूंगा पक्का आज पक्का देख के बता दूंगा ठीक है मुझे एक बार व्हाट्सएप पे डाल देना डाल लो अभी देखता हूं मैं जाते हुए पक्का देख जाऊंगा तो बेटा x1 x2 के बीच में एक c पक्का ऐसा होगा जिसके लिए hc क्या हो जाएगा अपना 0 0 तो और x1 x2 किसके सबसेट किसके हैं 0 से 1 के तो मतलब 0 से 1 के लिए hc अपने प्रूफ कर दे 0 हो जाएगा तो इसका मतलब fc इक्वल अपने प्रूफ देख अब देख जुगल तूने fc इक्वल टू gc प्रूफ कर दिया बेटा हां तो a और d में कोई सोचना है हां नहीं वो तो हो गया इधर अब पता तू तूने प्रूफ तूने ये प्रूफ किया कि f(c) हमेशा g of c के इक्वल है तो b और c हो सकते हैं इक्वल पर सर वो ऐसा ये c कोई और पॉइंट हो जाए तो जहां पे ऐसा मतलब ये इक्वल वाले नहीं जहां पे ये दोनों इक्वल आ रहा है कोई अलग ही पॉइंट हो जाए जिधर फंक्शन f और g की अलग-अलग वैल्यूज आ रही है लेकिन मैंने क्या बोला 0 से 1 के बीच में fc is equal to क्या आ रहा है ऑलवेज क्या आ रहा है इक्वल पर वो तो ऐसा मतलब हमने ये ऑप्शंस के लिए लेट किया है क्या नहीं देख अपन ऑप्शन के लिए मैंने क्या तेरे को इंडायरेक्टली क्या प्रूफ किया कि 0 से 1 के बीच में हां f of c और g of c हमेशा इक्वल होंगे हां यही प्रूफ किया ना अपन ने हां हां तो 0 अपने को सारे ऑप्शन 0 से 1 के लिए चेक करने हां पर मैं वो बोल रहा हूं वो तो समझ में आ गया मुझे पर ये हाँ. सी के अलावा कोई और ऐसा डी पॉइंट भी होगा जहाँ पे अगर वो बी और ये सी वाला ऑप्शन को सेटिस्फाई कर सकता है पर वो श्योरिटी नहीं होगी नहीं 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 तू बोल बोल मैं तूने क्या बोला जीरो लेकिन जीरो से वन के बीच में श्योर हूँ ना कि दोनों इक्वल ही होते नहीं ये मतलब सी तो हमने ऐसे ही तूने तूने सी की वैल्यू हाफ ली लेटर से ना हाँ तो एफ ऑफ हाफ और जी ऑफ हाफ की वैल्यू सेम होगी हाँ तो अब तू सोचना कि ये इक्वल हो सकते हैं क्या नहीं पर वो तो मैं समझ गया पर मैं बोल रहा हूँ जैसे अगर 0.75 पे अगर ये दूसरी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है जो c तो हमने लेट किया ना 0 से 1 के बीच में हां तो 0.75 लिया हाँ, तो दोनों साइड एक ही c डालेगा ना हां ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट साइड में कुछ अलग चारों ऑप्शंस में से एक ही मतलब c एक ही रहेगा b और c तो साइमल्टेनियसली डालेगा ना कि ऐसे हां 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 समझ तो मैं तेरा कंफ्यूजन समझ गया तूने क्या बोला कि उस सी के लिए अलग आंसर हाँ, दोनों सी अलग अलग ले सकते नहीं 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 डालेगा एक साथ ही क्योंकि वो इक्वेशन एक ही लिखी हुई है हाँ। और ये जिस साल पेपर में क्वेश्चन आया था मैंने हमारे टीचरों को देखा कि ये बोले कि उस साल का ये टफेस्ट क्वेश्चन था ये दो ऑप्शन तो हो गए थे यही दो होंगे ना आंसर में भी पक्का हाँ हाँ वही है वही है
उसके बाद कौन सा इजान सर का कौन सा डाउट था? थ्री था उसमें एलएचएल से उसमें नहीं निकल रही थी। चलो कर देते हैं, एक एलएचएल निकालो आरएचएल निकालो इजान, ये बता दो थ्री में। एलएचएल ही निकालनी है सर। एफ ऑफ वन माइनस ना एक से छोटा रखा तो वन माइनस एच हो जाएगा, एक्स का वन माइनस रखा ना। अपोज बेटा ये कितना हो जाएगा एच टेंडिंग टू जीरो पे, ये कितना हो जाएगा? अब तो किसे डिवाइड करेगा तो बताएगा का आंसर क्या आएगा? माइनस वन। ये और ये टेंडिंग टू क्या हो जाएंगे? जीरो जीरो। ऐसे वो आर एच एल क्या आ जाएगा? वन आना चाहिए शायद तक, वन ही आएगा। उसमें वो मतलब ये दोनों इनफिनिटी हो जाएंगे और टू टेन नेगलेक्ट इनफिनिटी हो जाएंगे तो उसके कोफिशिएंट वन वन ही है ना। हाँ ओके, हाँ समझ आ गया। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मेरे को पता क्या लगता है जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो पांचवा क्वेश्चन है ना बेटा, सॉरी पहला क्वेश्चन, वो उन लोगों ने थोड़ा अच्छा और भी कर सकते थे। ऐसे बोलते पूरे रियल नंबर में कहां पे होगा, हाँ तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं होता क्या? यस हाँ, मैं उसका आंसर बोलूं? हाँ बोल। ये रूट में ऑल इंटीग्रल वैल्यू से डिसकंटीन्यूअस होगा, माइनस वन भी होना चाहिए क्या? हाँ वन पे तो वही वन पे जीरो आ रहा है बस, वो उसके क्या लाना। तो पढ़ने तो लगा आजकल मैथ्स में तो अच्छा करता है। बेटा ये वाला क्वेश्चन था ना, क्या क्वेश्चन था ये ना, अपन तो फंडामेंटल पे चलते हैं। मुझे बताओ ये डिसकंटिन्यूअस का चांस कहां पे लेंगे यदि ये सी हो ये डिसकंटिन्यूअस हो, ऐसा ना? हां सर। तो या फिर ये डिसकंटिन्यूअस हो तो ये कंटिन्यूअस हो, और या फिर दोनों को डिसकंटिन्यूअस हो, मे बी हो सकता है तो कंटिन्यूअस या फिर मे बी नहीं हो सकता। तो मैंने एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा? जब अंदर वाला इंटीजर बन जाएगा। इसको इसको लफड़े कहां पे? इंटीजर्स पे लफड़े। हां और इसको लफड़े कहां पे? जब x स्क्वायर इंटीजर बन जाए। हां मतलब रूट इंटीजर पे लफड़े। हां तो ओवरऑल लफड़े कहां पे आ जाएंगे सारे के सारे जो कवर कर लेगा केस? मान लो ऐसा कुछ टाइम सोचो। हां मैं जनरल केस ले रहा हूं, मैं ब्रॉड केस सोच रहा हूं, मैं कोई नंबर वंबर नहीं सोच रहा है। मेरे लिए सवाल बहुत इजी था 0 1 के लिए। तो कि मुझे यहाँ पे चेक करने हैं, यदि इस पे स्टडी कर ली तो मुझे पता जाएगा। अच्छा लेकिन अमन बोला सर थोड़ा आप डेफिनेशन क्लियर रखो ना, एन पे भी कुछ कंस्ट्रेंट लगा दो। एन क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मतलब इसी पॉइंट पे चेक करने पड़ेगी तो कंटिन्यूटी। अब फिर मैं थोड़ा फंस गया। देखो मैं ना तुमको एक चीज बताता हूँ, ये जो ये अब तुम यहाँ पे कुछ भी नंबर रखोगे ये जब दोनों इक्वल होंगे तब वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब मैंने मुझे पता था कि मैं एन कैसे ले रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या लिया, मैंने बोला मेरा मैं ऐसे नंबर सोच रहा हूँ, और उसमें भी मैंने कैसे नंबर सोचा, मैंने पहले पॉजिटिव नंबर के लिए सोच रहा हूँ। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव के लिए वो भी बताऊंगा कि इसमें दिमाग में कैसे आया। और मैंने क्या बोला ए कैसा वो इंटीजर इजान। हाँ सर। जीरो से बड़ा कोई भी नंबर एक इंटीजर ले तो उसका हाँ। बॉक्स क्या आएगा यदि कोई ए लिया तूने तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल तूने नहीं जीरो मत जीरो से बड़ा कुछ भी ले, पांच ले लेटर से पांच लिए तूने। हाँ तो तो एलएचएल की बात चल रही है तो पांच आएगा या चार आएगा? रूट पांच लिया तो फिर नहीं तूने फाइव ले ली तो ये तो एलएचएल का होगा पांच से कम तो चार। चार का स्क्वायर कितना होगा? सोलह होगा। मैंने ए लिया तो मुझे एलएचएल कितना मिल जाएगा? ए माइनस वन का होल स्क्वायर मिलेगा। हाँ सर। सोच पा रहे ए पॉजिटिव है। हाँ सर। माइनस अब ये समझो तूने पांच लिया पांच से कम तो ऐसे तो ना 25 से कम ए स्क्वायर माइनस वन तो हाँ इसका बॉक्स कितना आ जाएगा? स्क्वायर माइनस वन
देखो मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं थोड़ा देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, उसका बॉक्स क्या होगा इंटीजर पे, हल्का सा कम ही हो जाएगा ना। अब मुझे बताओ इसका इसका कितना आ गया, 2-2 आ गया LHR। यस। अब RHC लेते हैं, कोई भी A पॉइंट ही, रैंडम पॉइंट, पॉजिटिव नंबर लिया बस तूने। अब बोल, 5 लिया, 5 से बड़ा, तो ये कितना आ जाएगा? बात चल रही थी अभी ना, क्योंकि एफ ऑफ ए इंटीजर है, ए इंटीजर लिया तुमने। अब बताओ तीनों कंटिन्यूस होने के लिए तीनों के डेफिनेशन ए की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? One. मतलब ये वन के अलावा, वन पे कंटिन्यूस है, उसके अलावा सारे इंटीजर्स पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिसकंटिन्यूस। अभी पॉजिटिव की अभी खत्म किया ना अपन, याद तक क्लियर है सबको? अब मैं कैसे इंटीजर्स ले रहा हूँ? नेगेटिव। अब नेगेटिव इंटीजर को कोई बताएगा कि LHL कितना आ जाएगा? क्या ए माइनस वन कॉल्स करी होगा क्या ये? ए प्लस वन होगा और पीछे माइनस ए स्क्वायर होगा। ए माइनस वन नहीं, ये ए माइनस वन कॉल्स करोगा। हाँ समझ गया, सही है। हाँ सर, सर वो एक स्क्वायर का भी वो कम हो जाएगा ना। सोच माइनस फाइव सेल का कम रखा, माइनस 4.99 नहीं, माइनस फाइव सेल का क्या कम रखेगा? माइनस 5. हाँ माइनस 5.1। हाँ समझ गया ना, ये क्वेश्चन क्यों पूछा था उन्होंने? हाँ रुको, चार्जिंग का इशू आ गया, बंद हो जाएगा पीसी। डन ना LHL? Yes, yes, RHL में सोचो अभी कोई बताएगा कितना हो जाएगा? तुमने रखा माइनस फाइव से जस्ट बड़ा, प्लस वन काउंट्स। नहीं नहीं सोचो, माइनस फाइव से जस्ट बड़ा रखा तो वही रहेगा, कितना ए स्क्वायर आएगा? ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस वन आएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, माइनस फाइव ए स्क्वायर माइनस वन आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है दोनों, वन ये वन माइनस नहीं वन यार वन माइनस तो वो वन माइनस टू है और वन वन, और ये इन दोनों ये डेफिनेशन इक्वल पर इन दोनों लिमिट को इक्वल कर देते ना, और वैसे तो एग्जैक्ट ए पे तो क्या होना चाहिए था, वो जीरो होना चाहिए था ना, तो ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ। कोई भी ए के लिए तो सिर्फ ये कहां पे डिसकंटीन्यूअस निकला पूरा फंक्शन? इंटीग्रल वैल्यूज में सिर्फ वन पे। हाँ उसके अलावा तो कभी, हाँ बस एक ही पॉइंट पे इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब वो भी कौन सी? वन। एक्चुअली तो अभी ये एक ही पॉइंट पे कंटीन्यूअस निकला, बाकी तो डिसकंटीन्यूअस निकल गया था। तो जीरो पे भी क्या बेटा? जीरो पे भी कंटिन्यूस है ना? जीरो जीरो पे, अच्छा जीरो पे अलग, जीरो पे बता, जीरो पे क्या होगा सोच? जीरो से थोड़ा कम रखें एग्जैक्ट जीरो पे, तो चलो जीरो में बोल दिया है। जीरो और जीरो प्लस पे जीरो, जीरो प्लस पे भी जीरो। हाँ और जीरो माइनस पे माइनस वन। हाँ तो प्लस वन, प्लस वन। ये सिर्फ एक ही जगह कंटिन्यूस है पूरा फंक्शन, कौन से पे? वन पे। मतलब इंटीजर्स पे अपने को शक हो रहा था, बाकी जब ये दोनों कंटिन्यूस होंगे तो पक्का कंटिन्यूस हो जाएगा। इंटीजर्स के केस में ये कहां पे होल नंबर, मैं पूछूं होल नंबर के केस में ये कहां कहां पे डिसकंटीन्यूस हो सकता है? ये सारे इंटीग्रल होल होल नंबर्स एक्सेप्ट वन। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने।
उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सिक्स्थ डाउट है क्या सिक्स्थ सेकंड और सिक्स्थ हो गया डन तो कंटिन्यूटी अपनी खत्म अगली क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी का पीटी वन ओ एक्सरसाइज का सेवन हाँ याद है क्या अभी बात वो ट्राई किया था पर नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं नहीं सर एक से भी नहीं हुआ दोस्तों फर्स्ट पार्ट हुआ सर फर्स्ट पार्ट हुआ फर्स्ट पार्ट कैसे किया चलो फर्स्ट पार्ट बताओ हाँ सर एक मिनट निकाल दो सर फर्स्ट पार्ट में f of x plus y is equal to f x plus f y तो उसमें हम x equal to zero डालेंगे तो f of x equal to zero आ जाएगा और HL के लिए x plus h किया बनना LHL के लिए x minus ठीक जब भी अपने को होल नंबर या एक आधा मतलब कि छोड़ के और कोई ऐसे फंक्शनल इक्वेशन दियो मैंने तुमको क्लासरूम कॉपी में एक ऐसे एग्जांपल कराया था मुझे तो तुम देखना मैंने क्या बोला एक आर्बिट्री पॉइंट x बिलोंग्स टू a ले लिया था मतलब कोई भी एक a ले लिया ना एक रैंडम के लिए तो अभी मैंने यहाँ पे भी मैंने क्या किया पहले मैं कोई भी एक a ले लेता हूँ लेकिन मैंने मैंने बोला वो जीरो नहीं है जीरो पे अलग से चेक करेंगे ठीक है तो अपने को क्या इक्वेशन दे रखा है अपने अब f of x y इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा ये ना हाँ सर ठीक है अब मैंने क्या किया तुमको पता है कि पंकज सर को यदि a पे कंटिन्यूस दिखाना तो सर के पास तीन सर के पास दो ही है सर क्या प्रूफ करेंगे f of a plus h f of a और f of a minus h LHL RHL और फंक्शन पे वैल्यू तीनों सेम आ गई तो फंक्शन बोल सर बोल देंगे कि ये क्या है कंटिन्यूस यहां तक क्लियर तो अभी सर ने क्या किया RHL निकाल रहे RHL को फिर ऐसे लिख देगा कोई बताएगा सही है अब देखो लेकिन सर को तो ये वाला रिलेशन अप्लाई करना है ये वाला रिलेशन भी अप्लाई करेंगे सर को तो दो चीजें क्या मिलेंगी लेकिन सर वो सर इतनी तो मैनिपुलेशन आजकल तुमको भी आने लगेगी सर के साथ रह के सर ने देखो मल्टीप्लाई करने का तो सर के कुछ भी बहाना ढूंढ लेंगे सोचा दो दिखा वो चीज को अब मुझे बताओ ये x है ये y है तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f of a f of वन प्लस h by a हो जाएगा सोचो यहाँ तो कोई तकलीफ किसी को नहीं है अच्छा उसने क्या बोला f of a पे तो लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि h लिमिट तो h वेरिएबल पे लगी हुई है जैसे तुम लिमिट h टेंडिंग टू जीरो डाल दोगे तो ये वाला किसको टर्न कर जाएगा f of वन पे टर्न कर जाएगा ठीक है तो f of a इनटू कितना आ जाएगा f of वन आ जाएगा है ना अब f of वन की वैल्यू निकाल ले तुम थोड़ी मैनिपुलेशन तो कर ही लोगे इसमें वन वन डाल दो f of वन कितना आ रहा है f of वन की दो वैल्यू होंगी वन f of वन की दो वैल्यू आएंगी जीरो भी आएगा और या वन आएगा ना लेकिन क्वेश्चन में शायद लिखा है गिवन वैल्यू में f of क्योंकि वन डालोगे ना f of वन का सर इक्वल टू f of वन लेकिन क्वेश्चन में बोला कि f of 1 जीरो नहीं हो सकता तुमने पढ़ा ना तो f of 1 1 है तो देखो RHL तुमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया f of a के तुमने बोला सर आप इतनी मशक्कत मर अब हम वो शर्माओगे आप लिमिट h टेंडिंग टू जीरो LHL बेस है कुछ प्रूफ कर ऐसे सेम हरकतें करोगे मैं ना लिखूं तो चलेगा क्या हां सर चलेगा हां सर वो अभी प्रूफ हो गया ना f of a into f of 1 ये भी किसी को लगा गया तो तुमने ये तुमने जो डिस्कस किया है वो कब कहां डिस्कस किया जब a जीरो नहीं था तो पहला इतना पार्ट तो प्रूफ हो गया ना कि प्रूफ f of a x इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट अभी जीरो पे तुमने x के लिए जीरो नहीं ली ना अब तुम सेपरेटली किस पे चेक करना चाह रहे हो जीरो पे जीरो पे तो ये क्लियर है ना कि LHL RHL थोड़ा मैं लिख देता हूँ f of a आ गया for all x belongs to a minus क्या अब मैं तुमको सेपरेट किसे किसे चेक करना सिखा रहा हूँ x is equal to zero पे है ना
अच्छा x इक्वल टू जीरो पे मुझे सोच के बताओ LHL कितना आएगा, f ऑफ जीरो माइनस h आएगा, ये आएगा ना जीरो माइनस h। अब तुम तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे f ऑफ माइनस वन इंटू h, क्योंकि डेफिनेशन लगाना चाहते तुम तो मल्टीप्लाई में, वो क्या मिलेगा f ऑफ माइनस वन लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ h, मिल गया कितना। Yes. अब लेकिन h f ऑफ जीरो के बारे में, अच्छा यहाँ तक f of, अभी पूरा अभी f ऑफ माइनस वन पे भी गेम प्लान हो गया, f ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, एक तो ये भी यहाँ तक डन। अब चलो f ऑफ माइनस वन के बारे में सोचते हैं, f ऑफ माइनस वन की वैल्यू कैसे निकाली जाए बोलो। माइनस वन डालेंगे x की जगह, एक माइनस वन डाल दो एक वन डाल दो या कुछ ऐसा कर लो ना, x की जगह क्या डाल दे, हाँ माइनस वन डाल दो y की जगह वन डाल दो, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा ना, वही तो कुछ भी, दोनों माइनस वन डाल दो दोनों को, ठीक है। तो f of one इक्वल टू f of माइनस वन कॉल्स करा गे, f of माइनस f of one की वैल्यू तुम वन तो हो नहीं सकती, सॉरी जीरो तो हो नहीं सकती, तो वन ही होगी वन। हाँ तो f of माइनस वन की, f of माइनस वन की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो प्लस वन या क्या माइनस वन। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला एक तो तुम कोई भी मान लो, तुमने बोला सर माइनस वाली मान लेते, ठीक है, या प्लस वाली मान लो जो भी बोलो, तुम यहाँ पे प्लस वन माइनस वन भी ले लोगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो यहाँ पे क्या आ गया f ऑफ कितना आ गया, क्या LHL f ऑफ जीरो के इक्वल आ रहा है क्या, सोचो भाई LHL जीरो माइनस h इज इक्वल टू ये आ रहा है क्या, ये आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, नहीं भी आ सकता। हाँ दोनों केस हो सकते हैं, मे और मे नॉट भी। हाँ समझ रहे हो कि कोई श्योरिटी कुछ भी नहीं आ रही ना, नहीं। तो इस ऐसे सिमिलरली तुम क्या करोगे, आ रहे चले निकालोगे, तो मेरा जो तुम यदि तुम मेरे से पूछोगे जीरो पे कैसे फीलिंग आएगी, तो मैं बोलूंगा मे कंटिन्यूस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसलिए उसने क्या बोला कि जीरो को छोड़ दो, क्योंकि जीरो के बारे में हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ सर, तो इसलिए तुम ऑप्शन इसलिए जीरो पे ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यूअस है। हाँ हो भी सकता, नहीं भी, नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तो ये से अब तुम कोई भी ऐसे आर्बिट्री क्या करो, x इक्वल टू a रखा करो, जैसे मैंने ये रखा ना ऐसे ट्राई किया करो, कोई भी रैंडम पॉइंट जब भी ऐसा कुछ दिया हो कि फॉर ऑल x या एक आधा छोड़ के, और जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज ही ना रहो, फंक्शनल इक्वेशन दे रखी हो। कोई कोट इनवर्स एस का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताएगा, माइनस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x प्रॉपर एनवी प्लस x tan x का डेरिवेटिव, इज ऑन कोट इनवर्स sec इनवर्स एस का डेरिवेटिव बताएगा बेटा, नहीं आता बेटा, मैं बता रहा हूँ बोर्ड में भी नहीं पास होंगे, कौन बताएगा sec इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये मैं बता रहा बोर्ड में भी पास नहीं होंगे, यदि ये किसी ने बोला डेरिवेटिव, और मैं तो तुमको सीधा हाई लेवल पे, और ऐसे कैसे बोल दी, हाँ log x का डेरिवेटिव तो पता होगा इजान, वन बाय एक्स, ठीक है। आज डेरिवेटिव में अपन चेन रूल्स आगे बढ़े, अपन कौन से तुम्हारा फेवरेट डेरिवेटिव करते हैं, कौन से बेटा, मान लो जैसे तुमको जैसे फील करा रहा हूं, बहुत सारे फंक्शन है ना मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, f1 f2 f of n, बहुत, और इसका एक बड़ा फंक्शन, हालांकि तुमको तुम्हारे भाई ने बता रखा है
कि क्या एक रूल बताया था ना मेरी वो आदतें कैपिटल एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स स्मॉल एफ ये वाला क्या बताया था ऐसा बताया था ना लेकिन उसका प्रूफ समझे ना प्रूफ आज प्रूफ भी कर ले एक बार बेटा बहुत सारे गंदे गंदे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में मिले हो तो तुमको लॉग लेकर डायरेक्ट लॉग लेने का दिमाग में आएगा लॉग ले सकते हो क्या यस सर अब जैसे लॉग लेओगे तुमको लगता नहीं है कि वो सब ऐड हो जाएंगे यस सर यस सर चलो भाई अमन सोया हुआ था अमन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर तेरी आवाज नहीं आ रही थी सर तुमने लगा नहीं तुमने जो जो अपन ने ऐसे लिखा था आज उसको दो मिनट में प्रूफ भी कर लिया देखो पहले एलन का डेरिवेटिव किया वन बाय एफ वन फिर एफ वन का खुद का कर दिया सोचो हाँ सर हाँ सर ये देखो तो लॉग लेने का फायदा क्या होगा फंक्शन का डेरिवेटिव अपन ने फंक्शन जो भी मल्टीप्लाई में लिखे तो मल्टीप्लाई में चेन रूल कभी बार बहुत गंदा दिख जाता है तो चेन रूल बहुत गंदा लगने तुम क्या कर सकते सॉरी प्रोडक्ट रूल बहुत गंदा दिखने लगेगा तो क्या करोगे लॉग ले लेंगे पर लॉग अब तुम तो लॉग भी नहीं लोगे तुम तो तुम्हारी तो आदतें पड़ गई ना तुमको तो अभी ये लास्ट रिजल्ट याद हो गया सोचो एक एक लॉग यहाँ पे ले सकते हो दूसरा अब तुम्हारी लॉग लेने की आदत कैसे डेवलप करनी है हालांकि इसमें मैं तुमको लॉग लेने मैं तुम्हें बोर्ड में तो रटवाता हूँ लेकिन अभी मैं तुमको लॉजिक समझाऊंगा ठीक है मैं तो तुमको पूरे जब से फंक्शन स्टार्ट हुआ है मैं तो एफ ऑफ एक्स की पावर जिसको लिखने का तरीका तुमको क्या बोलते आया हूँ अब तक हाँ भैया अपन तो वही काम चलेंगे अपन जल्दी से पढ़ेंगे नहीं सोचा यहाँ तक सही लिखा मैंने तो तुमको लगता नहीं कि अब मुझे डेरिवेटिव करना चाहिए एच डैश एक्स का कितना हो जाएगा पहले तो ई की पावर का तो वही होता है सोचो यहाँ तक क्लियर यस सर फिर तुम्हें अब इन दोनों के बीच में कौन सा रूल लग जाएगा प्रोडक्ट जी डैश एक्स एल एन एफ एक्स जी एल एन का अब इसका होगा एल एन एफ एक्स का तो वन बाय एफ ऑफ एक्स फिर एफ का खुद का कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा और इसको फिर रीअरेंज कर ले दो क्या मिल जाएगा बेस को लॉग के चक्रों में डाल दे और पावर के डेरिवेटिव कर दे कर दिए तूने हाँ पावर बाय बेस और बेस का डेरिवेटिव जैसे इजान तू अभी इजान बोला सर एक प्रैक्टिस करा दो साइन एक्स की पावर कोस एक्स ले ले पहले इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या डालेगा पहले एज इट इज कॉपी कर लिया फिर बेस को कितने चक्रों में डाल देगा लॉग के और पावर का डेरिवेटिव कोसाइन का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स पावर अपॉन में बेस ऊपर वाला ऊपर और फिर अभी किसका डेरिवेटिव होगा क्योंकि पावर का तो हो चुका ऑलरेडी बेस का आंसर आ गया जैसे एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव रटा हुआ होना चाहिए पहले नीचे वाले एक्स को लॉग के चक्रों में डाल दो पावर का डेरिवेटिव कर दो पावर बाय बेस और बेस का डेरिवेटिव तो x की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस log x क्या समझ रहे हो यस सर तो ये नोट करो पहले कॉपी भरो कुछ अच्छे क्वेश्चन कल का होमवर्क है पीटी वन कल मेरी क्लास नहीं है ना है सैटरडे को नहीं
सर कल हाँ बेटा सर वो रूल्स है e की पावर x का ऐसे डेरिवेटिव करे तो e की पावर x का तो हो जाएगा ना e भी आ रहा है एक्स्ट्रा ऐसा कोई दिक्कत नहीं e की पावर x का डेरिवेटिव किया इसको किसके बेस में डाल दिए पावर के चक्कर में log और पावर इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 1 x / e का डेरिवेटिव 0 होता है ठीक है ओ 0 हां क्लियर सर हाँ सर मैंने उसको वन ले लिया था ई को कॉपी भर ली यस सर सबने यस अब देखो एक सवाल करता हूं अब तुमको ध्यान रखना बोर्ड में कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं फिर तुमको अपने रियल लाइफ में कैसे प्रैक्टिस में करना है वो भी देख लेते हैं ठीक है इसका डेरिवेटिव करना है ना डिवाइडेड निकालना है तो बोर्ड में तुमको क्या मानना पड़ेगा इसको इसको चलो y1 मान लेता हूँ इसको क्या मान लेता बेटा y2 तो अब y1 किसको मानना बेटा मैंने तो वो तुमको लगा ln y1 कितना हो जाएगा 10x ln x हो जाएगा सोचो और y2 किसको मानना बेटा मैंने उधर समझ गया कि सर वहाँ पे UV करते थे आज सर ने है ना Y1 Y2 सिमिलर नहीं लगना चाहिए मैं खुद बोर हो जाऊंगा ठीक है तो अब क्या करोगे इधर 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 बताओ कैसे डेरिवेटिव करोगे ln y1 का y1 dy/dx और ऐसा कितना sec square x ln x फिर क्या होगा अरे बोलते जाओ नहीं तो मैं nx by x थोड़ी देर मैं सो जाऊंगा ऐसे गंदे का y1 into क्या हो जाएगा sec square x ln x plus कितना nx by one by y2 dy2 by dx is equal to minus sin x ln sin x में देखा तमाशा cos x का हो चुका है ln sin x का कितना हो जाएगा बेटा 1 by sin x into cos x तो dy2 by dx कितना हो जाएगा cos x into cot x लिखो बस अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या तुमको डिवाइडेड मिल जाएगा हां सर जो लिए तो ये तो क्लियर अभी हां लेकिन अब बेटा बिना पेन चलाए ये आंसर बताना ना कैसे करेगा जुगल वही f of x की पावर g इसको पहले कॉप तू क्या बोलेगा क्लास में मान लो मैम पूछे इसका आंसर बताओ ये थोड़ी पता करेगा हां तू क्या बोलेगा सर पहले वो लिख लेगा x की पावर 10 x की पावर 10 इसको लॉग के चक्रों में डाल दे हां ln x और sec square हां x की पावर 10x इसको लॉग के चक्रों में डाल दी लॉग x ln x 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec square x square फिर 10x / x हो जाएगा हां और इसका डेरिवेटिव 1 फिर अगले अगले का डेरिवेटिव कैसे करेगा बिना पेन चलाए वही sin x cos x हां फिर log sin x - sin x cos / sin by sin x और साइन का डेरिवेटिव पीयूष क्लियर है हां हां अब मैं तुमको थोड़ा सा इस इसी क्वेश्चन एक मेन जैसा लुक दे दूं यस सर
ये एक बार नोट कर लो, फिर नोट कर लो फटाफट, कॉपी में भरना है, बाकी ऐसा ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा। पार्थ कितने नंबर चाहिए मैथ्स में 70 में से? 70 में सॉरी वो 11 में, तुम्हारी ब्रिलियंट वाले की कितने नंबर दो 80 में से? सर इतने देने दे दो सर, मान मान दिखा इतने आलस आ रही थी कॉपी करने। वही ओम ओम कितने नंबर दो बेटा? सर ओम नहीं है आवाज बात। अर्श कितने नंबर दो मिनिमम बोलो, तुम्हारे उतनी मार्कशीट में भी लग के आएंगे ना। आप देख लो ना वही सर, आप देख लो। मैंने देखो केमिस्ट्री में तो एमसीक्यू में जितने गलत हुए थ्योरी में मैं मिनिमम 70 दूंगा ना, ठीक है 80 में से। बस सारे अटेम्प्ट किए होने चाहिए, मेरे पास कितनी कॉपी आई है अभी, 2-5 आई है सर। मैथ्स में मैंने सेक्शन सी में थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, मुझे लगा 11 करने थे। मैथ्स का पेपर पूरा एनसीईआरटी का ही था। ऐसा था क्या? हां सर वो हां सर ऐसा लग रहा था सारे अटेम्प्ट कर ले। अब मैं बोल रहा हूं चेक करके वो मार्क्स बनेंगे तो 11th क्लास के तो देनी है। डमी में फायदा तो होता है। डन लिख लिया? यस सर। अब मैं एक सवाल देता हूँ, ये बोर्ड वालों को लगता है ना डेरिवेटिव आता है, अब उनको सही से दरअप पेपर में ऐसा देख के तुमको तुम्हारी 2 मिनट तो फट जाएगी, लेकिन मैंने तुमको ये वाले साइन के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पहले बहुत बार बता चुका हूँ। पार्स कितना अच्छा साइन है ना बेटा? यस सर। ये ट्राई मारो, मैं तब तक पानी वानी पी के आया। सर वो क्या है मॉड? बेटा एग्जाम को क्लियर करते रहना, ठीक है? मल्टीप्लाई होता जाता है कम की जगह समेशन में। अरे वो f के अंदर है ना, वो क्या है 101 101। अरे अरे यार मैं बताओ इसका आंसर 100 ही आना चाहिए, 101101 होता है ना। मैं तो बोल रहा इसमें ऐसा कुछ आंसर आएगा, वो 5050 और वैसा कुछ होता है ना। 50 मतलब वैसे सब होता है ना, वो 100 वाले में वैसे ही आंसर आता है। सिग्मा अब वही आएगा क्योंकि अभी सभी करना है लॉग लेते। हुआ सर 1 मिनट हो रहा।
कर तो सकते तुम लोग, तुम हाँ हो रहा है, हो रहा है, बहुत कैलकुलेशन हो रही है। हाँ मेरे मेन मेरे जो योगी वाले धुरंधर कहाँ हैं जिनको लगता है डेरिवेटिव आते हैं। कर कर रहा है, करो करो करो। सर जो एक सिग्मा के अंदर जो बन रहा है वो सिंपल में बोल दो, मुझे आंसर चाहिए। हाँ सर आ गया, बोलो। हाँ बोल। 5050 पहले पूछ देख ले तूने क्या निकाला और मैंने क्या पूछे, हो तो तूने थोड़ा चेंज कर दे अपना आंसर। एक मिनट सर। अरे 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 हाँ वो सिग्मा में फॉर्मूला में उल्टा होता है सर, 1/5050। तुमको ये तो पता है ना, देखो अभी मुझे इसी बताओ करें। हाँ मतलब इसका मैंने तो तुमको ऑलरेडी मैंने तो मेरी मैं 10 बार बोल चुका हूँ, ये बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। कितने फंक्शन लिखे हुए हैं? 100। तो तुमको पता है कि ये सर इसका डेरिवेटिव ऐसे करेंगे। अब 100 में क्या करेंगे सर, समेशन लगा देंगे उन 100 का, खुद का इंडिविजुअल का डेरिवेटिव अपॉन में क्या करेंगे फंक्शन। अच्छा सोचो पहला फंक्शन क्या रहा है, बिना पेंसिल है सोचते हैं पहला फंक्शन क्या रहा होगा। 101 - 1 ये रहा होगा ना। हाँ अच्छा नहीं ये तो पहले एनी जगह 1 डाला होगा, तो ये कुछ ऐसा फंक्शन रहा होगा। 101 की पावर कितना 100 हो जाएगा। 100 हाँ सर। इसमें क्या इसका डेरिवेटिव कितना रहा होगा, 100x^-1/99 अपॉन में एफ खुद फंक्शन, तो कितना आएगा नीचे एक खुद फंक्शन आ जाएगा। हाँ, तो फिर अगला फंक्शन तो एन के 2 रखा होता x-2/(-2)/(-99) तो वो कितना था डेरिवेटिव 2 पहले तो नीचे कुछ नीचे भी कुछ आता तो तुमको लगता नहीं कि ये ऐसा लुक आ जाता x-n/(n)। पहले n और पावर a और नीचे वो फंक्शन बन जाता है x-n। सोचो हाँ बात क्लियर है। हाँ सर। यस सर। अब मुझे बताओ कि n की वैल्यू तुम अपने को तो क्या निकालना था, 101 डालना था, मैंने x जगह 101 डाल दिया। तुमको लगता ना कि बेश का भी कुछ तारे जमीन पे कितना हो जाएगा, 100 101/2 50-50 हुआ। हाँ उसका रेसिप्रोकल 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 में गड़बड़ हो गई, मैंने पूरा एलएन कर करके किया। हाँ सेम अप्रोच मैटर करती है ना, वो लास्ट में तो आ गया थोड़ा लंबा गया, वो भी करूंगा एलएन वाला भी करके दिखाऊंगा। नहीं वो उससे वही डाटा उसमें जो वो 1/x के बाद वो वापस अंदर वाले का डेरिवेटिव करता है वो 1 ही आता है, इसलिए आ जाता है। अब ये क्वेश्चन कर लो तो वो f(x) की पावर g कवर सब।
डन हाँ सर। सिर्फ डेरिवेटिव में दिमाग चल रहा कि डेरिवेटिव की शीट दूंगा डेरिवेटिव की। हाँ सर। अब तो इजी क्वेश्चन देते तुम्हारा भाई। क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ। कैसे करना चाहिए? एक्स के रिस्पेक्ट में आवाज। अरे भैया क्या बोले? चमका भैया ने क्या बोला? हाँ सर। अमन कैसे करते हैं डेरिवेटिव दूसरे रिस्पेक्ट में निकालना होता तो बेटा? सर वो पहले जो कॉमन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर देता है, बाद में दोनों को ऐसे डिवाइड में करता है। हाँ मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये f मान लो, ये g मान लो, तो df / dg निकालना अपने को तो। हाँ df / dx कर लो, dg / dx कर लो। इन शॉर्ट ऊपर वाले का डेरिवेटिव आप खुद से करो टेंशन लेके, नीचे का करो तो क्या आएगा? आ गया दो फॉर्मूला लगा के वही। अभी तो तुम्हें डेरिवेटिव सिखा देना ऊपर वाले का भी, क्या आंसर आएगा ऊपर वाले का? पहले कॉपी कर लो बेस को, किस ऊपर में डाल लो सेक्स स्क्वायर एक्स एन एक्स बाय एल एन एक्स, और नीचे शायद तो मुझे लगता है कि ये हो गया x की पावर x 1 प्लस कितना चमका ना? हां सर। यस सर। अब तुम्हारा भाई थोड़ा फंसा दे, लेकिन मैं वो बोर्ड वाली हरकत नहीं चाहूंगा, मैं तुमको प्रॉपर लॉजिक आना चाहिए मुझे, क्योंकि ये तुमने ये इसमें मैं डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालना है? वन माइनस रूट वन माइनस एक्स। क्या करना चाहिए? तुम्हारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस नहीं हो रही थी ना काफी दिनों से? कॉस इनवर्स एक्स को थीटा। हाँ कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे। फिर सर क्या लिखते थे बोर्ड में, जेई में? सॉरी थीटा 0 से 5। लेकिन सर बेवकूफ नहीं है यहाँ पे देखो, क्यों? क्योंकि सर को कौन से पॉइंट पे निकालना है? हाफ थीटा यहाँ से कहाँ से कहाँ तक आएगा, कोई बताएगा जुगल? ये पाई बाय 3 के सेंस कहाँ कहाँ से थीटा बोलो, मतलब ऐसे रेंज आएगी या टेंड करेगा? टेंड करेगा ना, पाई बाय 3। पाई बाय 3। तुम मुझे बताओ कि डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करते हैं वो एक पॉइंट पे चेक करते हैं, उसके डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी पॉइंट पे लगती है नेबर वो इंटरवल पे लगती है? एक स्मॉल इंटरवल पे लगती है ना? हां हां सर। तो यदि मैं तुमको थीटा बिलोंग्स टू ऐसे लिखूं तो कोई किसी को तकलीफ है क्या? पाई बाय 3 माइनस एच से पाई बाय 3 प्लस एच। हां ये बोल रहा था। हां इन शॉर्ट ऐसे पाई बाय 3 को लिया। हाँ
विद्या का क्या करना है जो जेई मेन से उनकी 3:30 से स्टार्ट होगी 3:30 से 5 और फिर 5 से 6 ये तो जेई क्लास है एक डेढ़ घंटे की कौन से कितने घंटे और 45 मिनट का ना वो रहेगा बोर्ड3 क्लास कर देंगे पैरेलल में वो टीचर का कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा ना ये इसके पैरेलल में रहते हैं हालांकि उनका इतना वो पागल हो जाएंगे कि वो जेल नहीं पाएंगे 11th वालों को कम 11th वालों को इतना ही रखते हैं ना हां ये वाला डेढ़ डेढ़ घंटा ठीक है इसमें दो सेशन आएंगे तो एक सेशन जेई का हां फिर भी यदि वो टीचर फ्री है तो उनका 1:40 मिनट का जगह लगा देना ताकि उनको लेकिन 11th वालों को सैटरडे को छुट्टी दे देंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो ऐसा तुम गदो तरफ काट मत देना क्योंकि अपन जे बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे तो तुमने तुम्हारे अकॉर्डिंग तो कॉस इनवर्स क्या बन जाएगा कॉस 2 थीटा हाँ और ये 2 थीटा की मतलब 2 थीटा का मतलब 2π/3 का नेबरहुड हाँ और कॉस इनवर्स की झोंपड़ी याद है 2π/3 के आसपास क्या होती है हाँ पाई माइनस अरे हाई फाइव वर्ड तुम्हारे भाई ने गलत बनाई है शर्म करो पंकज मंगला ये कितना होता पाई 2π होता था ये वाला 2π/3 किधर आएगा इधर आएगा 120 होता है ना 2π/3 0 से 180 तक वो x ही होता है तो इसमें कैसा बिहेव करेगा वो 2θ बिहेव करेगा हां सर मतलब ये इंडायरेक्टली सिंपलीफाई करोगे क्या लिखा तुम्हारे नजर में 2 cos inverse x लिखा हुआ है हां सर अब तुमने डेरिवेटिव किया क्या तुमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सही किया ऊपर इसका डेरिवेटिव तो सही कर दिया अभी विथ रिस्पेक्ट टू रूट रूट का खुद का कितना होता है 1/2 root होता है हाँ सर 1+x² को मतलब वापस ये sin थीटा बन रहा है तो वैसे बस हाँ वो भी कर सकते हो फिर थीटा किस रिस्पेक्ट में करेगा थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना सब चीजें हाँ तो इसलिए मैंने क्या किया मैं इसको बस सिंपलीफाई करके इसको बस ये देखा 2 cos inverse इक्वल हो गया इसका डेरिवेटिव कर दिया ठीक है यस सर अब देखो मैंने इसका रूट का किया 1/2 root किया 2 लिखा नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है 1 - x² का डेरिवेटिव उसमें भी 2 आएगा और माइनस माइनस भी कट गया रूट रूट भी कट गया तो आंसर कितना गया 2/x आया यस सर x की वैल्यू हाफ रख दो कितना आया 4 यहां तक क्लियर यस सर लेकिन मैं ना अभी देखो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो अभी मुझे क्या लगता है देखो इसमें भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है fj पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों क्योंकि फंक्शन डिफाइन करना x को मानना फिर झोंपड़ी देखना इतनी देर में तुम सीधे तरीके से भी करते तुम्हारा सवाल का आंसर आ जाता अब सीधे तरीके से करके दिखाऊं खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा अपने नीचे वाले किसका फंक्शन डेरिवेटिव करना है अब देखो ऊपर वाले फंक्शन डेरिवेटिव करते हैं पहले -1/ में क्या किया x² किया डन अभी क्वेश्चन उसका किया ना यस सर और ऊपर तुमने 4x कर दिया मेरे हिसाब से तो हां सर नीचे का तो अभी करके ही आए हो -x/ में कितना इसमें क्या फंक्शन की डिफाइनिंग का कुछ टेंशन लेने का दोनों मेथड इक्वली गुड है यहां तक चमका यस सर हां सर इधर देखो a स्क्वायर में b स्क्वायर लगा दो रूट के अंदर a प्लस b कितना हुआ 2x² हां सर और a माइनस b कितना हो जाएगा 2 - 2x
तुमको बस सब चीजें पता है, तुमको कौन से पॉइंट पे चेक करना है, हाफ पे चेक करना था ये तुमको, तुम मोडक्स लिखोगे मुझे पता है, पूरा भरोसा है तुम्हारे पे, तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। हाफ का मोड कितना हो रहा है, इसलिए प्लस का एक्स आया, समझ में आ रहा है? हां सर। देखो इसमें क्या, फिर तुम नेगेटिव के लिए अपने आप ही डिफाइनिंग हो जाती है, फिर एक्स एक्स काट दो, ये इसका टू, इसका टू, रूट टू, रूट टू, टू, चार बाय टू कितना होगा, टू, ये मोड एक्स बनता, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बनता, अपॉन में कितना बनता, तो अभी हाफ पे पूछा था, चार आ गए। चमका? यस सर, यस सर। कभी कभार बेटा दोनों तरीके लगेंगे गंदे, लेकिन हाँ इसमें क्या, फिर तुम वो डिफाइनिंग की करनी, वो अपने अभी यहाँ पे रूट एक्स दिखा देता कि मोड एक्स ले लेते, कि नोट करो सेकंड फिर थर्ड में तुम्हारे में मजे लूंगा। लास्ट वाली एक क्लास एक गंदगी करनी है किन की, मतलब 330 से एक प्लस 5 टू 6 वाली एक घंटे की आती थी जाएगी। हाँ तो वो 330, ये देखो ये मैंने 3 टू 430 किया था, तो ये 330 से 430 कर देते, फिर 430 से 6 ये कंटिन्यू रहेगी ना, पहली क्लास एक घंटे की रखते हैं ना, तो फिर वो बीच वाले, लेकिन उनकी जे 12 बोर्ड वालों की कितने है, ये आप मतलब काउंट करके चलो, सिर्फ ये देख लो, पहले 330 से हो रही थी ना, आपने 330 से बोला था ये वाली क्लास जे की 12, ठीक है, तो वो 330 से करते थे, 330 से 430। हाँ, और 430 से, अच्छा नहीं, एक और भी इसमें कंसर्न है कि जो केमिस्ट्री में ना बोर्ड जे का कोई मतलब ही नहीं है, केमिस्ट्री में आप एक ही क्लास रख देंगे, तो ये तो दो क्लास रखे, दो क्लास जो मिली 45-45 मिनट की, कौन सी, ये तो वो लेके गए ना पढ़ के, वो दो क्लास सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स की लगानी चाहिए बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड में सुनो सर एक ही पढ़ाते हैं, ताकि क्या कि मैंने ये तीनों को कंबाइन करके बनाया है ना, वो भी उसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो उसमें क्या, वो बच्चों से बोर्ड का बहुत कम टाइम मिलेगा, मेरे को सिलेबस पूरा नहीं होगा मैथ्स का, फिजिक्स का भी नहीं होगा, केमिस्ट्री में तो सोनू सर दोनों में एक ही पढ़ाते हैं, और सोलह सौ को बच्चों ने बच्चे बोले डेढ़ घंटे में हो जाएगा, मैंने अभी वो ब्रफ या तो कल बैठ के सुबह बनाते हैं, या तो भी है तो देखता हूँ, हाँ, कौन सा पहले 3-6 वाले स्लॉट में देना है, तो 6-7 6-4 6-6 वाला दे देता हूँ, हाँ जो भी तेरे को लगता है, डेली देना, अल्टरनेट देना, वो अपने आप जो है, और 6-2 पता उनको देने के चक्कर में हमारा जेई कम हो गया, वो मत देखना ना, लिख लिए दोस्तों, आज आना है ना क्या बेटा, इस मंडे से शुरू हो रहा है ना, इस मंडे स्टार्ट हो रहा है, तब तक अपना मंडे से पहले पहले डेरिवेटिव खत्म हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वो कोऑर्डिनेट, नहीं कोऑर्डिनेट भी स्टार्ट करूंगा कोऑर्डिनेट तो, और मैं इनको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा दूंगा और इनको ठोक ठोक याद कराऊंगा ना, फिर सर पहले दिन में मत ठोक देना सर, पहले दिन तो आप थोड़ा सर बेटा, पहले दिन में सर बोलेंगे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सर एक हफ्ते के बाद इंप्रेशन लेना, लेकिन ये तो तुम बहुत लकी हो कि लास्ट ईयर से तो बहुत लकी हो कि लास्ट ईयर वालों ने शक्ल ही नहीं देखी थी, पूरा 12th निकल गया था, इंटीग्रेशन निकल गया था मेरा, अभी मुझे पता, मुझे पता लगा किसने जीएन बर्बन परचेज की है, कौन पीडीएफ से पढ़ता था, तो अभी मुझे सबकी आदतें पता चलेंगी ना, हां सर, हां सर, कौन ये ऐसे आईडिया लगेगा किसके नोट्स कंप्लीट हैं, कौन लिखता है, सर वे आप इलेवन बोल रहे थे कि बस कुछ भी हो इंटीग्रेशन ऑनलाइन में नहीं जाना चाहिए, हां चला गया, तो हमारा अच्छा है, अब जेई का इंटीग्रेशन ऑनलाइन नहीं हुआ, ये अच्छा बात हुई, और आप फिर डन लिख लिया, अभी जो अगला क्वेश्चन है ठहराव के साथ करना, जल्दबाजी में आंसर मत करना, डन मुझे लगा लिख लिया होगा ना,
जो भी मैम पढ़ाते ना वो ढंग से सुना करो। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्राई मारो ना दोस्तों। यस सर 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 एक बार ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बता दोगे प्लीज। रूट एन एक्स अपॉन वन प्लस टेन। वो नहीं वो डेरिवेटिव का पूछ रहा है सर। हाँ वो वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स का माइनस वन अपॉन कॉस में माइनस। हाँ इजान जो सी से स्टार्ट होते सारे नेगेटिव होते ठीक है। ओके मुझे इसका आंसर चाहिए सही में। किसी का आंसर वन तो किसी का आंसर वन तो नहीं आ रहा है। नहीं एक बच्चा कर दो बस कोई भी करो। हाँ सर बोलो बोलो। हाँ बोलो। माइनस माइनस वन जो अमन इजान दे रहा सर प्लस एक्स की टर्म्स में नहीं आ रहा। गलत है ना। सर रूट टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तुम्हारी थॉट की बिल्कुल क्लियर थॉट ही नहीं है सर। एक मिनट सर। मतलब तुमने इनवर्स की धज्जियां उड़ा दी आज। डेरिवेटिव छोड़ो अब मैं शुभम भैया के या टॉपर भैया के थ्रू के तो वो कैसे करते थे पकड़ू। चलो एक मिनट। फंडामेंटल भूल जाते हो ना तुम्हारा मैथ सही में। एडवांस दूर सपने भूल जाना एडवांस के। फिर वो मीम आता है स्टार्टिंग तैयारी तो आईआईटी करके स्टार्ट की थी अभी एनआईटी के लिए भी तरस रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि फंडामेंटल और प्रैक्टिस नहीं करते। जुगल बोल कर दो। मैं इसको दो तरीकों से करके दिखाऊंगा। दोनों फंडामेंटल वे होंगे। पहला मुझे करके बताओ मैंने x को tan inverse theta sorry tan inverse x को theta मानूंगा। यस सर। हां सर। यस सर। अच्छा तुमको theta मानते क्योंकि x belongs to r दे रखा है। अब तो मुझे theta minus pi by 2 से pi by 2 लिखना पड़ेगा। हां हां सब चीजें आनी चाहिए। पहले मैं f(x) को सिंपलीफाई कर रहा हूं। और मैथ तो क्या तुमको आईटीएफ की देखो एक अच्छी बात पता है क्या है मैथ्स में पुराना चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अभी पूरा। देखो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा हो जाएगा टेन। हाँ साइन टू टू थीटा के बाद माइनस पाई से पाई हो जाएगी। हाँ सर। हाँ भाई एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा।
और टू थीटा के बाद माइनस पाई से पाई है ना, साइन इनवर्स टेन टू थीटा नहीं होगा कि वो क्या 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 कौन सा मैथ्स पढ़ा दिया तुमने मेरे को? अरे सही लिखा है पंकज सर ने, वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अरे एक्स को टेन थीटा रखा, टू टेन थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर कंपाउंड एंगल। हाँ सही थी, फंडामेंटल प्योर फंडामेंटल। हाँ कुछ ज्यादा हाई फाई पढ़ते नहीं अपन तो, हाई फाई तो बस लोगों के लिए होता है। सर हाँ बेटा सर, वन और माइनस वन दो आंसर आ रहे हैं। शाबाश, मेरे पास मैथ्स का ही है, उसके पास सीधा उसको पूछ लो। ये माइनस पाई से पाई में कितनी बार चेंज होगा सोचो एक बार, खुद दिमाग बुद्धि पे दिमाग लगा के बताओ। वो क्या क्या होगा सोचो एक बार, एक बार माइनस किस लाइन, ये वाला लाइन होगा ना, ये वाली इतनी सी। हाँ तीन बार होगा, दो बार भी नहीं बेटा, मेरा मैथ्स ना बिगाड़ना। दिख रहा तुमको? यस, तीन अलग अलग ऐसे। हाँ अब क्यों आवाज क्या आ रही है, आवाज बोलने का किन तुमको? तो माइनस पाई ये लाइन का नाम क्या हो जाएगा, टू थीटा, थीटा की जगह रख भी दिया, सिंपलीफाई कर दी सर ने, ठीक है। और ये हो जाएगा टू थीटा मतलब टू टेन इनवर्स एक्स, और ये लाइन क्या हो जाएगा, और शायद तो तुमको मैंने रटने के लिए भी बोला था स्टैंडर्ड रिजल्ट ये, तो ये तुमने इसको सिंपलीफाई किया ना अभी। अच्छा ये एक्स का औकात कहां से कहां तक, माइनस पाई और थोड़ा थीटा के औकात कहां से कहां तक थी, टू थीटा के औकात, टू थीटा के औकात माइनस पाई से लेके कहां तक, माइनस पाई बाय टू, और ये माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, और ये टू थीटा के औकात कहां से, पाई बाय टू से पाई, ठीक है। और तुमको पता है टू से डिवाइड करोगे, यहाँ ये करके दिखाता हूँ, टू से डिवाइड किया, थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, टेन इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, तो एक्स मोड एक्स लाइज वन, ठीक है ना, ये शायद तुमको याद आ गए होंगे। ये तुमने अभी किसको सिंपलीफाई किया, अभी तो तुमको मदद दिलाऊंगा, जी ऑफ एक्स भी सोचो, सेम तुमने माना, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा बन जाएगा। हाँ सर, तो चौपड़ी कितनी बनेगी माइनस पाई से पाई की, को याद है किसी को? दो बनेंगी, अभी बताया ना मैंने कि ये पाई तक जाता है, ऊपर से जा रहा है क्या, तो बोल देना भैया, मैं फिर तुमको आईटीएफ पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि तुमने पढ़ना लिखना तो बंद कर दिया, कन्फर्म हो गया। क्या लिखो इधर, टू थीटा, अरे भैया टू थीटा का कहां से कहां तक, माइनस पाई से लेके पाई, तुमको पता नहीं जीरो से पाई के बीच में तो टू थीटा ही हो जाएगा, मतलब टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक बार माइनस टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये मैं अभी कहीं भी क्वालिटी ऑर्डर कर दो कंटिन्यूस कराते हैं। मुझे बताओ अपने को कितने पॉइंट पे डेरिवेटिव, कहाँ कितनी ब्रांच बनेंगी, अब एफ बाई जी के अलग अलग कितने पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, सोच कोई बताएगा? प्लस माइनस में तुमको लगता नहीं कि एफ अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है माइनस वन और वन के अराउंड, जी अपनी डेफिनेशन कहाँ पे चेंज कर रहा है, जीरो जीरो पे, तो तुमने तो पहले तुमने कौन सी डेफिनेशन लगाई, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, चलो ये वाला डेफिनेशन में सोचो, उसमें एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये जी ऑफ एक्स ये होगा ना, सोचो इसका ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आया, नीचे का डेरिवेटिव टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आया, दोनों का डेरिवेटिव डिवाइड में किया तो कितना आया, वन, तो ये क्या हो रहा है, ये बारिश
अच्छा माइनस वन से लेके जीरो पे, सोचो मैंने जीरो पे क्यों रोका, सोचो एक बार, माइनस वन से जीरो के बीच में ये एफ ऑफ एक्स कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेगा, ये वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा, इसका डेरिवेटिव टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस वन से जीरो में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तुमको ये भी पता, तुमको तो ये बताना चाहिए सर कहाँ कहाँ पे क्या डेरिवेटिव का, वो भी बताने वाले हैं। फिर तुम जीरो से वन के बीच में बताओ, माइनस वन, माइनस वन आ रहा है जीरो से प्लस वन में, हाँ माइनस वन आ रहा है, और वन से इन्फिनिटी में उसमें वन, बेटा जीरो से वन में मेरा आंसर प्लस वन, हाँ, प्लस वन वो ऊपर है, देखो एफ बाय जी ना, अरे ये क्या जो पढ़ने पे कंसंट्रेट करना ना, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार नहीं, जीरो से वन में ये प्लस का और ये भी प्लस का, वन से बड़े में क्या होगा, ये नेगेटिव का, हाँ, और ये प्लस का, तो यहाँ तक क्लियर, हाँ, देखो ये वाला पूरा, ये वाला पूरा फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, जीरो, जीरो पे माइनस वन, माइनस वन प्लस वन नॉन डिफरेंशियबल है ना, हाँ, अब तुमने बोला कि सर, अब देखो मैंने तो ये किया, मैंने आज सुबह ही पहले लास्ट ईयर तक यही कराता था, लेकिन मैंने आज पूछा कि तुम लोगों को अच्छे बच्चों को पढ़ाना है, अब तुमको मेडिटी में तो कुछ तो नहीं, अब तुम किसी बच्चे ने बोला सर आप नॉर्मल तरीके से करके दिखाओ, करके दिखाऊं उससे भी, देखो थोड़ा करने के अंदर डालो, क्या करो जो सॉल्यूशन गूगल पे और बाकी लोग बताते हैं तुम्हारे और अपने में फर्क क्या रहेगा, ये मैंने, अरे बारिश आ रही है अपन एंजॉय करेंगे, ठीक है ये डेरिवेटिव करता गलत गलत किया क्या मैंने, साइन इनवर्स का किया मैंने, ठीक है अभी मत खोलना, बहुत गंदा सवाल चल रहा है ना, ये लोग मजे मरेंगे, ये कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, अब मुझे बताओ, अब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, नर्स इसका, इसका तो कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ हाँ ऊपर क्या आएगा, ऊपर बताओ, वन प्लस एक्स स्क्वायर इनटू टू, हाँ माइनस टू एक्स इनटू टू एक्स, टू एक्स तो वन कितना हो जाएगा, टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, भैया भगवान बस मुझे कैलकुलेशन करने की हिम्मत दे, वो हो भी जाएगा, मैं जितना सोचूंगा ना कि मेरे से नहीं होगा, चमका यहाँ तक, हाँ सर, अब इसका बताओ, इसका नर्स बाय डॉक्टर से कितना आएगा, बोलो बोलो, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू माइनस फोर एक्स आएगा ना, मैंने सुबह किया है, सोचो कैसे आएगा, सोचना आ जाएगा इतना तो, हाँ सर, अब देखना एक बार, ये काटा एक काटा, एक बार दुबे सर को बोल दे, बस एक सारे क्वेश्चन चल रहे हैं ना बीच में, बिगाड़ा भी मैंने ही ना, तो मुझे एकदम पक्का तुम्हारे पीटी में ही शिकायत मिलेगी, सर आप इनको छुट्टी देते क्यों, अच्छा अब मुझे बताओ कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, तुम मेरे को कैलकुलेशन करने में हेल्प कर दो, ये तुमको पता नहीं सर, अंदर एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, हाँ सर, अच्छा तो कौन, और सर तुमको पता है ये और ये दोनों का स्क्वायर सर कट जाएगा एलसीएम का, हाँ सर, और वन अपॉन, अभी ज्यादा हाँ भी मत बोलना मेरे, मैं पूछ लूंगा किसके लिए हाँ बोला था, ठीक है, ये वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स बचेगा, और वन
तुमको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अच्छे से लगाना ना, बस गलती मत करना। मैं सुबह आलस खा गया था एक बार तो। और ऊपर क्या चल रहा अभी, टू टाइम वन माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है और नीचे ये माइनस फोर एक्स चल रहा है ना। अच्छा इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस बचेगा लास्ट में, मतलब रूट निकालने के बाद। मैं ना रूट निकालने के बाद सब लिख देता हूँ, ये सब बचेगा ना, एक बार चेक करना करते हैं। जहां जहां मोड आ रहा है वहां पे तुम ये पूरा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो मोड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कौन से फैक्टर पे आ रहा है, वन माइनस एक्स पर और एक्स दोनों पर। तो तुमको लगता नहीं एक जीरो पे मोड बनेगा, एक वन पे, एक माइनस वन पे, थोड़ा देखना पड़ेगा नॉन डिफरेंशियबल होगा। हाँ तो तुम वे भी कर सकते, डिसाइड भी कर सकते हो कि वन माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से बड़े में उसका साइन कैसा आएगा। तो हर बात बस सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आएगा। हाँ ये भी तुमने टू काट दो, ये भी या तो प्लस वन होगा माइनस वन होगा, ये भी प्लस वन या माइनस वन होगा, तो ये टू से टू भी काट दो। तो यहाँ से ऐसे भी दिख सकता था, मतलब दोनों मेथड इक्वली गुड है। अब तुम दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। आज की तो रिकॉर्डिंग मांग ली पड़ेगी। और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि एक बार की कैसे डिफाइन किया कल, तुम समझाओ। अब समझ तो आ गया पक्का एक बार। हां यस सर। तुमसे तुम ये क्यों नहीं सोचते कि डिफाइन, अभी आज मैंने इंडेफिनिट की तुमको दो बार प्रैक्टिस करा दी, सॉरी इंडेफिनिट की क्या आईटीएफ की, ये दो सवाल आईटीएफ आईटीएफ एक बनाना भूल जाते तुम बार-बार। बारिश आप देखो सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। अरे ये पूछना नहीं था। चलो अमित सर को थोड़ा पटाओ। पटाते मैंने तो बोल दिया कि मैं मैसेज करूंगा, फिजिक्स क्लास चालू, मैच खत्म हो, दो तीन लोग का नेट चला जाएगा। चलो अरे मेरे घर लाइट चली गई, मेरे घर इंटरनेट तो जाएगा। चलो चलो अरे सर की मीटिंग ज्वाइन हो। चलो।